प्लास्टिक प्रदूषण एक अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गया है। विश्व स्तर पर हर वर्ष 10 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट महासागरों में मिलता है। इस प्लास्टिक अपशिष्ट का 90% से अधिक मुख्यतः विश्व की 10 नदियों द्वारा स्थानांतरित होता है। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां भी इस सूची में शामिल हैं। प्रतिवर्ष भारत से निकलने वाली लगभग 3.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट लैंडफिल एवं जल धाराओं को प्रदूषित करता है। इसकी विशाल तटीय रेखा एवं नदियों का पारिस्थितिक तंत्र इस समस्या को और चुनौतीपूर्ण बनाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट न केवल समुद्र में जलीय जीवन को प्रभावित करता है अपितु मत्स्य संबंधित आजीविका में भी कमी का कारण है। इस वैश्विक समस्या के निवारण हेतु किए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय एवं समग्रता की आवश्यकता है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस समस्या के निवारण हेतु किए गए कार्य सराहनीय हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के संपूर्ण प्रसंस्करण एवं निपटान के प्रयासों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इस संदर्भ में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी द्वारा प्रायोजित इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना भारत एवं जर्मन सरकार द्वारा 2019 में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट के माध्यम से की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश केरल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कानपुर कोची एवं पोर्ट ब्लेयर शहरों में ठोस अपशिष्ट मुख्यतः प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है। अपशिष्ट प्रभावित शहरी जलाशयों का जीर्णोद्धार मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की स्थापना एवं प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करना इस परियोजना का भाग है। स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त शहरी एवं राज्य स्तरीय एडवाइजरीज एवं गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट का बंदरगाह एवं फिश लैंडिंग फैसिलिटीज में प्रबंधन भी सम्मिलित है। ये परियोजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एवं G20 के एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आइए हम सब मिलकर इस प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित समस्या की रोकथाम में सहयोग दें।